तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनिम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके जरूर देख लेना। और आज हम इस अनिम का 11th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं कि राज सीरिया को लेकर लॉर्ड रेस्किरिया के पास आ गया होता है। वहाँ पर फिर लॉर्ड सीरिया से कहती है कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है, इंसानों के साथ रहते हुए तुम्हें किसी पर नोबल होने का शक था, पर अब सुनने में आया है कि वो रिपोर्ट गलत थी। फिर सीरिया लॉर्ड से पूछने लगते है कि गैजुटल कहाँ पर है। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि गैजुटल रिपोर्ट देने के शक में जेल में है। लॉर्ड कहती है कि अब तुम बताओगी क्या सच है। इस पर फिर सीरिया कहती है कि मैं नहीं बता सकती। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दिल से ही सवाल पूछ लेती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड सीरिया के दिल को कंट्रोल करने लगती है, जिससे सीरिया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद फिर लॉर्ड सीरिया से पूछने लगती है, क्या तुम कॉफिन के अंदर जो व्यक्ति था उससे मिली हो? अच्छा होगा अगर तुम जवाब दे दो। हम देखते हैं कि सीरिया बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। सीरिया को इस तरह तड़पते हुए देख रायल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि सीरिया निर्दोष है, मैं भी किसी नोबल से नहीं मिला। वहाँ जिनसे मैं मिला था वो कुछ थे मॉडिफाइड ह्यूमंस और एक अजीब आदमी। मुझे नहीं पता वो इंसान कौन था, पर एक आम इंसान के तौर पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। सीरिया और रेजिस का उससे कुछ कनेक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरिया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। सीरिया को इस तरह चलाते हुए देख फिर काइरस कहता है कि लॉर्ड, सीरिया और यह नहीं सह पाएगी। फिर लॉर्ड कहने लगते है कि भले वो कोई भी था, मेरे ऑर्डर्स को ना मानना और सवाल का जवाब ना देना बहुत बड़ा जुर्म है। काइरस, सीरिया को जेल में डाल दो। इसके बाद फिर लॉर्ड रजस से कहने लगते है कि रजस, हमने जो अभी बात की, तुम गैजुटल से इसकी पूछताछ करोगे। मैं अपने पिता जितनी नरम दिल नहीं हूँ, मैं लुकेडोनिया में ऑर्डर बनाए रखूंगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में लुकेडोनिया के लिए रवाना हो चुके होते हैं। फिर वहाँ पर फ्रैंक रेजिस से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सीरिया और गैजुटल की चिंता हो रही है। इस पर फिर रेजिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। फिर रेजिस कहता है कि तुम्हारे लिए कहना आसान है। रेजिस फ्रैंक से कहता है कि आपको लगता है उन्हें वही छोड़कर आना सही है, अगर हमारे ना होते हुए यूनियन ने कुछ किया तो। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि चिंता की बात नहीं है, मैंने सब जांच कर ली है, मैं उन तीनों को पावर बढ़ाने के लिए पहले ही एक कैप्सूल दे के आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, जिससे रेजिस कहता है कि ये क्या हो रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि लगता है हम लुकेडोनिया एयर स्पेस में घुस गए हैं, हम जल्द ही उतरने वाले हैं। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि मास्टर प्लीज आप तैयार हो जाइए। फिर रेजिस कहता है कि उतरने, क्या यहाँ कोई रनवे है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि नहीं, हम जबरदस्ती उतरेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब क्लैन लीडर्स एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर काइरस कहता है कि दो क्लैन लीडर्स को जेल में डाल दिया, ये बहुत अजीब है ना। इस पर फिर ये लड़का कहता है कि लॉर्ड को विश्वास है कि गैजुटल और सीरिया गद्दार से मिले थे। फिर ये लड़की कहती है कि इसके अलावा वो दोनों सच छुपा रहे हैं, क्या इसका मतलब वो दुश्मन की तरफ हो गए हैं। फिर ये क्लैन लीडर कहने लगता है कि बेवकूफी वाली बात मत करो, गैजुटल कभी लॉर्ड को धोखा नहीं दे सकता। इस पर फिर काइरस कहता है कि सीरिया भी ऐसा नहीं कर सकती, उसने ऐसा जबरदस्ती किया क्योंकि वो लॉर्ड और गैजुटल की बहुत इज्जत करती है। तभी वहाँ पर रजस भी आ जाता है। रजस को देखकर फिर ये लड़की पूछने लगती है कि गैजुटल ने क्या कहा। इस पर फिर रजस कहता है कि कुछ भी नहीं बोला वो। फिर ये लड़का रजस से पूछने लगता है कि लॉर्ड अब क्या कर रही है। इस पर फिर रजस कहता है कि लॉर्ड अपने चैम्बर में है, उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि उन्हें अपने कामों पर ध्यान देना है। इस पर फिर ये लड़का कहता है कि यही तो चिंता की बात है, भले ही वो लॉर्ड हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि इससे वो डिस्टर्ब ना हुई हो, आखिर उन्होंने हमेशा से गैजुटल पर भरोसा किया है। तभी वहाँ पर बाहर से एक सोल्जर आ जाता है और कहने लगता है कि एक जेट क्राफ्ट जो कि लगता है कि ह्यूमन वर्ल्ड से है, वो लुकेडोनिया के किनारे पर टकराया है। इस पर फिर ये लड़की पूछती है कि अंदर कौन था। फिर वो सोल्जर कहता है कि इसका अभी पता नहीं चला, सिर्फ उस जेट क्राफ्ट के टुकड़े मिले हैं। इस पर फिर रजस कहता है कि ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँचते हैं, सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करो। वही दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते से राय के पुराने वाले मैंशन में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये जेट प्लेन जो कि क्रैश हुआ है वो इन्हीं तीनों का है। वहाँ पर रेजिस कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्लेन से कूदूंगा। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे खुशी है, तुम्हें इसमें मजा आया। इसके बाद फिर आगे जाते जाते रेजिस कहता है कि रुको, इसके आगे फॉरबिडन रीजन है, ये ठीक नहीं है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि फॉरबिडन रीजन। फिर रेजिस कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये प्रीवियस लॉर्ड ने यहाँ आने पर रोक लगाई थी। जरूर लुकेडोनिया के सोल्जर्स यहाँ पर पहरा दे रहे होंगे, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ेंगे।
जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और राय रैजिस की बात को नहीं सुनते और आगे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों राय के पुराने वाले मेंशन में आ जाते हैं। मेंशन के अंदर राय और फ्रैंक को कुछ अजीब सी चीज दिखती है। इस पर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि हवा में वो क्या चीज है। फिर फ्रैंक रैजिस से कहने लगता है कि रैजिस तुम यहीं रहो, हम अभी आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैजिस को वहीं पर छोड़कर फ्रैंक और राय थोड़ी आगे जाने लगते हैं। इसके बाद फिर राय अपने मैजिक से मेंशन का बड़ा सा दरवाजा खोल देता है। वो बड़ा सा दरवाजा खोलते ही उनको सामने से एक बड़ी सी तलवार दिखती है, जिसे देखकर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि ये तलवार जिसे दुनिया का अंत भी कहा जाता है। फिर राय कहने लगता है कि ये तो लॉर्ड का सोल वेपन है, कितनी दिक्कत वाली चीज छोड़ कर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रैजिस बाहर जंगल में आ जाता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे लुकेडीने के सोल्जर्स इकट्ठे हो चुके हैं। इसके बाद फिर रैजिस एक कपड़े से अपने चेहरे को ढक कर इन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। इसके बाद फिर रैजिस और इन सोल्जर्स के बीच में फाइट होने लगती है। इस फाइट के बीच में रैजिस के चेहरे से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। रैजिस को देखकर फिर ये सोल्जर्स कहने लगते हैं कि रैजिस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी इन सोल्जर्स पर ऊपर से गोलियों से हमला होने लगता है। हम देखते हैं कि ये हमला टोक्यो ने किया होता है। टोक्यो एक एक करके सारे सोल्जर्स को अपनी गन से उड़ा देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर टोक्यो के साथ टाओ भी होता है। इनको देखकर फिर रैजिस पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर फिर टाओ कहता है कि हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब राय और फ्रैंक के सामने आ जाते हैं। फिर फ्रैंक इनसे पूछने लगता है कि तुम तीनों यहाँ पर क्यों हो, क्या करने आए हो यहाँ पर। इस पर फिर रैजिस कहता है कि इन्होंने मुझे कहा कि ये प्लेन में ही छुपे हुए थे। फिर टाओ कहने लगता है कि यार जब वो नीचे हुआ ना मुझे तो ये लगा कि आज हम गए, हमें खुशी है कि हम आपको ढूंढ पाए। फिर M21 कहने लगता है कि हमें पहले ही इस महीने की पेमेंट मिल चुकी है। फिर टोक्यो कहता है कि तो हमें हमारे काम तो करने ही होंगे ना। फिर राय कहने लगता है कि तुम भी ना, चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। फिर फ्रैंक कहने लगता है कि गैजुटल और सीरिया फिलहाल बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इस पर फिर राय कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। इस पर फिर रैजिस कहता है कि आपको बचाने की। फिर राय कहता है कि हम नोबल्स द्वारा खोजे जाने वाले टारगेट हैं, जिस पर प्रीवियस लॉर्ड की मौत का इल्जाम है। फिर रैजिस कहता है कि तुम उन्हें नोबल्स का किंग कह सकते हो, मैंने सुना था कि वो किसी साजिश के तहत मरे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो साजिश आपकी थी। फिर M21 राय से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता अब आपको हमें बता देना चाहिए कि आखिरकार आप कौन हैं? आप रैजिस की तरह ही एक नोबलेस हैं, है ना। इस पर फिर फ्रैंक M21 से कहता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा था, तुम सही भी हो और गलत भी। फ्रैंक कहता है कि नोबलेस से नोबल्स के ग्रुप को नहीं कहते, इसका मतलब एक अकेले से है जो सभी नोबल से अलग है, यही है नोबलेस से मेरे मास्टर राय। फिर M21 कहता है कि तो आप कह रहे हो कि आप नोबलेस से हो, साथ ही वो अपराधी जिसने किंग को मारा, मैं समझ गया, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। इस पर फिर राय कहता है कि तो तुम एक क्रिमिनल का साथ दोगे। फिर M21 कहता है कि मैं आपका एहसान मंद हूँ, बस इतना ही काफी है। फिर टोक्यो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर रैजिस राय से कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने आपको बचाया, इसलिए मैं भी आप पर विश्वास करूंगा और बचाऊंगा फ्यूचर क्लैन लीडर के तौर पर। इसके बाद हमें राय का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो उस टाइम के लॉर्ड से बात कर रहा होता है। वहाँ पर लॉर्ड राय से कह रहे होते हैं कि फ्रैंक के आने के बाद तुम काफी बदल चुके हो, क्या तुम खुश नहीं हो, अब तुम्हारी भी फैमिली है। इस पर फिर राय कहता है कि क्या उसे सच में मेरी फैमिली कहना सही रहेगा। फिर लॉर्ड कहते हैं कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद तुम ऐसा कह सकते हो, वो तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं होगा, तुम्हारे पास टाइम है साथ वक्त बिताने के लिए। लॉर्ड कहते हैं कि मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पाता। इस पर फिर राय कहता है कि ये वक्त आप उसके साथ क्यों नहीं बिता लेते। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए मेरी फैमिली जितने इंपॉर्टेंट हो। इस पर फिर राय कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर लॉर्ड कहते हैं कि तुम सच में काफी बदल चुके हो। फिर लॉर्ड कहते हैं कि दूसरों के साथ बातचीत करना अच्छी बात है, मुझे यकीन है जल्दी तुम्हारा वर्ल्ड भी बदल जाएगा। फिर राय कहता है कि आपको ऐसा लगता है। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि पूरे देश को ये बताने कि नोबलेस अकेले ही जीता है बेकार होगा, किसी को नहीं पता आखिर फ्यूचर में क्या हो। फिर राय कहता है कि फ्यूचर मैं कुछ समझा नहीं। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि क्या तुम्हारा लॉर्ड बनने का कोई इरादा है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। प्रेजेंट में राय कहता है कि मैं सेंचुरी में जाऊंगा। ये सुनकर फिर रैजिस शॉक हो जाता है और कहता है कि सेंचुरी। फिर फ्रैंक कहता है कि सेंचुरी तो लॉर्ड के कास्टल में है जो कि दुश्मन का इलाका है। इस पर फिर राय कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि तो आपने अपना मन बना लिया है। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ मुझे उससे मिलना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब क्लैन लीडर लॉर्ड रेस्किरिया को सारी रिपोर्ट देने लगते हैं। ये क्लैन लीडर कहती है कि सोल्जर्स उन्हें पकड़ने वाले थे पर वो फॉरबिडन रीजन में चले गए हैं। उनमें 3 मॉडिफाइड ह्यूमन हैं और एक नोबल रैजिस भी है। यहाँ तक कि रैजिस ने भी दुश्मन की साइड ले ली। इस पर फिर कायरस कहता है कि हमें ये पक्का नहीं पता। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि हमें ये पता होना चाहिए, उसने सेंट्रल ऑर्डर ऑफ नाइट पर हमला किया
ये उसका सबूत है। जिस ब्लॉन्ड मैन से वो जापान में मिला था वो जरूर राय का सर्वेंट होगा। रेजिस और राय मिले हुए हैं। इसके अलावा फॉरबिडन रीजन राय का ही मेंशन है। लॉर्ड कहते हैं कि रेजिस मेरे खिलाफ गया है। इसे साबित होता है कि गैजुटल ने भी मुझसे गद्दारी की है। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस फैसले पर फिर ये सारे क्लैन लीडर विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि गैजुटल को मारना सही नहीं रहेगा। यहाँ मौजूद सभी क्लैन लीडर गैजुटल के हाथों ही बड़े हुए हैं। फिर ये क्लैन लीडर लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड आप खुद भी गैजुटल पर पूरा भरोसा करती हो है ना। इस पर फिर लॉर्ड कहती है कि ठीक है तुम सब यही चाहते हो तो मैं उसे एक मौका जरूर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रेस्किरी अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, कैसे गैजुटल उसकी बहुत केयर किया करते थे। अब अगले सीन में हमें लॉर्ड रेस्किरिया का पास्ट दिखाया जाता है जब वो गैजुटल से बात कर रही होती है। यहाँ पर गैजुटल रेस्किरिया से कह रहे होते हैं कि आप अपनी ड्यूटी में काफी अच्छी हो गई हैं। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि मेरे पास सिखाने वाले अच्छे टीचर जो हैं। फिर गैजुटल कहते हैं कि मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं, मैं लॉर्ड से मिलने जा रहा हूँ, क्या उनके लिए आपका कोई मैसेज है। फिर रेस्किरिया कहती है कि मैं जानती हूँ वो बहुत बिजी हैं, उनसे कहना कि वो अपना ख्याल रखें। इस पर फिर गैजुटल कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी वो ब्रेक लेने में काफी माहिर हैं, सुना है आज उन्होंने दोबारा राय को बुलाया है। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि अच्छा वो उन पर काफी भरोसा करते हैं है ना। फिर गैजुटल रेस्किरिया से कहते हैं कि लॉर्ड ने आपके काम के बारे में सुना और वो काफी खुश हैं आपसे। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि सच में। फिर गैजुटल कहते हैं कि क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है रेस्किरिया। इस पर फिर रेस्किरिया कहते कि नहीं कभी नहीं, लेकिन मैं अपने डैड से बात करना चाहती हूँ, वो अभी कहाँ पर है। इस पर फिर गैजुटल कहते हैं कि मैंने कुछ देर पहले ही उन्हें कोर्टयार्ड के पास देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्किरिया अपने डैड लॉर्ड से मिलने जाने लगती है। वो लॉर्ड को ये कहते हुए सुन लेती है कि राय क्या तुम्हारा लॉर्ड बनने का इरादा है। ये सुनकर फिर रेस्किरिया बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाती है। इस बात से रेस्किरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ, वो राय को लॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर रेस्किरिया लॉर्ड होती है और वो गैजुटल से मिलने जेल में आ जाती है। लॉर्ड रेस्किरिया को देखकर फिर गैजुटल कहते हैं कि लॉर्ड आप खुद यहाँ कैसे। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि पता चला है कि यहाँ पर राय के साथी आ चुके हैं, इससे तुम्हारी गद्दारी साबित होती है। मैं तुमसे बस यही जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे चुनोगे या उसे। रेस्किरिया गैजुटल से कहती है कि अगर तुम सच बताना चाहते हो तो अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी, तो जवाब दो तुम किससे मिले थे। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि मैं राय से मिला था। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि तुम्हारा सच बताने के लिए शुक्रिया गैजुटल। फिर गैजुटल कहता है कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए सच नहीं कहा, मैं एक क्रिमिनल हूँ और लॉर्ड के तौर पर आप मुझे सजा दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लॉर्ड रेस्किरिया को देखते हैं जो कि अपने क्लैन लीडर को एक अनाउंसमेंट कर देती है। लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि गैजुटल को क्लैन लीडर की पोजीशन से हटाया जाए और उन्हें अटेंडेंस स्लिप में जाने के ऑर्डर दिए जाते हैं। ये सुनकर फिर ये सभी क्लैन लीडर बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।